हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं अपना माइक्रोवेव कैसे क्लीन करती हूँ। देखिए, माइक्रोवेव खाना गर्म करने के लिए भी ही यूज़ करती हूँ मैं, लेकिन देखिए कितना गंदा हो गया है। खाने की तेल गिर चुका है इस प्लेट पे, और ऊपर की सरफेस, साइड की सरफेस पे भी काफ़ी छींटे आ गई है तेल की, खाने की। तो इसको क्लीन करने के लिए एक बहुत ही सिंपल हैक है मेरे तो पास। फ्रेंड्स, माइक्रोवेव साफ़ करने के लिए बस बेसिक दो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, वो है नींबू और ये है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा, नींबू, ये साफ़ करने के लिए कपड़ा ले रखा है, और ये पानी है, एक बड़े वाले बोल में मैंने पानी लिया है ताकि जो वेपर्स उड़े वो ऊपर तक जाएं, जो माइक्रोवेव के रूफ तक जाएं। तो अभी मैं इसको नींबू और ये नींबू इसमें निचोड़ दूंगी पानी के अंदर, और उसमें बेकिंग सोडा भी ऐड कर दूंगी, उसका एक सिरप सा बना दूंगी, और फिर आगे का प्रोसीजर दिखाती हूँ आपको। इस तरह से मैंने एक पूरा नींबू इसमें निचोड़ दिया है इस तरह से, और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये बेकिंग सोडा। ये मैंने 2 to 3 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है, और इस मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, सिरप सा एक बना लेंगे। और अब मैं इसको माइक्रोवेव के अंदर 1 कर दूंगी, और इसको बंद करके मैं इसको 4 मिनट तक इनिशियली घुमाऊंगी। नॉर्मल हीट हो रहा है माइक्रोवेव, और ये पानी बॉईल हो जाएगा, और बॉईल होने की वजह से जो वेपर्स जाएंगे सरफेस के हर तरफ, चारों तरफ वेपर्स जाएंगे, और उसकी वजह से फिर हम क्विकली इसको क्लीन कर पाएंगे। देखिए, इसमें वेपर्स बनना शुरू हो गए हैं, और आप देख सकते हैं कि पानी सामने ग्लास पे आ रहा है। इस डोर को खोल रही हूँ, और ये देखिए किस तरह से यहाँ हर जगह पानी वेपर्स बन के आ गए हैं। और अब हम इस बोल को बाहर निकाल लेंगे, और अब फास्ट हम इसके वॉल्स के ऊपर क्विकली ये टॉवल जो है, वाइपर जो है, उससे क्लीन करना स्टार्ट करेंगे। देखिए कितनी आसानी से ये एकदम से क्लियर हो रहा है, सारा जो भी इसमें लगा हुआ था। ये देखिए कितनी फास्ट ही क्लीन हो गया है। ये देखिए कितनी आसानी से अब इसकी वॉल्स क्लीन हो रही हैं। देखिए ये वाली वॉल, और अब ये वाली साइड की वॉल भी कर देते हैं। बस एक बार मैंने इसमें ये जो किचन वाइपर रहता है इसको इससे वाइप किया है, और ये एकदम क्लियर हो रहा है। और अब टॉप के लिए मैं इसको ऑफ कर रही हूँ माइक्रोवेव को, क्योंकि ऊपर वायर्स रहती हैं, तो बेटर है सेफ्टी के लिए आप इसको बंद करके फिर आप इसको क्लीन कीजिए। मैं आपको बाद में लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो पानी हमने इसमें माइक्रोवेव में रखा था, लेमन और बेकिंग सोडा मिला के, ये देखिए इसका कलर कैसा हो गया है। सारी गंदगी जो माइक्रोवेव की है वो इसके अंदर, आधी तो इसमें गिर चुकी है, और आधी हमने वाइप करके निकाल दी है एक वाइप से, किचन वाइप से। तो इसकी ये जो प्लेट है इसको मैंने सेपरेटली वॉश कर लिया है पानी के नल के से, और अब मैं इसे यहाँ पे लगा रही हूँ। और ये देखिए आपका माइक्रोवेव रेडी हो चुका है यूज़ करने के लिए। ऐसे ही हफ्ते में एक बार भी अगर आप ये प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो
तो आपका माइक्रोवेव कभी भी गंदा नहीं होगा और उसमें मैल जमेगी नहीं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ आपसे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।